नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो आज मेरे पास है Lexus UX 300e और इसके बारे में हम पूरा बात करने वाले। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में। देखो, Lexus UX 300e इट्स अ एंट्री लेवल क्रॉसओवर एसयूवी बाय Lexus। ओके, पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। तो Lexus बोले तो कम्फर्ट, लग्जरी, कन्वीनियंस एंड परफॉर्मेंस, सब कुछ हमें वहां देखने को मिलने वाला है। दूसरा, ये UX है वो भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ओके, उसे लॉन्च होगा या नहीं होगा और आगे डिसाइड किया जाएगा, लेकिन अभी बाहर के देशों में चालू है एज अ हैचबैक एंड एज अ क्रॉसओवर एसयूवी ये बेची जाती है। Lexus UX 300e बोले तो इलेक्ट्रिक, UX बोले तो अर्बन एक्सप्लोरर। ओके, तो ये क्रॉसओवर एसयूवी है। बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो देखो, फ्रंट प्रोफाइल में हमें कंप्लीट Lexus की जो डिजाइन लैंग्वेज है वो देखने को मिल जाएगी। एलईडी हेडलाइट सेटअप, देन वॉशर वहां आपने देखने को मिलने वाला है। देन नीचे फॉग लैंप्स है एलईडीज में, आगे आपको यहाँ कैमरा देखने को मिलने वाला है। देन रडार, यहाँ आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है। देन ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, वो भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बात की जाए आगे से तो स्पिंडी ग्रिल देखने को मिलेगी जो कि अमेजिंग है। साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो 140mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बिकॉज बैटरी पैक वो नीचे है और उसका जो कवर है वो हमें देखने को वहां मिल जाता है। दोस्तों, एक साइड प्रोफाइल से गाड़ी आपको छोटी लग सकती है, लेकिन 4.6 मीटर की इसकी भी लेंथ है। दोस्तों, रिक्वेस्ट सेंसर का बटन, कीलेस एंट्री, ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, पडल लैंप्स, 360 डिग्री कैमराज, वो सारे ऑप्शंस हमें इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। रूफ रेल्स इसमें प्रोवाइड किए गए, शार्क फिन एंटीना है, जैसे कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स सिग्नेचर। ओके, एल शेप में आपको आगे के डीआरएल्स मिलेंगे, वैसे ही आपको पीछे के एल शेप में कनेक्टिंग टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। पर वॉशर डिफॉगर विद पावर टेलगेट इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। टेलगेट से दोस्तों बात करेंगे तो वही आपको 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसका टच पैड यहाँ देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक है तो आपको शिफ्टर मिल जाता है, गियर शिफ्टर, RNDNPB बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग पेडल शिफ्टर की जगह आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के पेडल्स मिलने वाले, उसे यूज करके आप चला सकते हैं। देन स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, ऑटोमेटिक एसी है वो डुअल जोन है, पुश स्टार्ट बटन। देन आपको HUD डिस्प्ले यहाँ इसमें मिलने वाला है, IRVM है वो ऑटोमेटिक मिलने वाला है, सनरूफ ऊपर मिलता है, हीटेड सीट्स है, 8-way एडजस्टेबल है, पीछे के सीट्स हीटेड है, वेंटिलेटेड आगे के भी सीट्स आपको देखने को मिलने वाले है। देन इसको इंस्ट्रूमेंट सबसे बढ़िया है, इसमें रेंज शो किया जाएगा। देन आपका TPMS है वो शो किया जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें खासियत क्या है, जो आपका पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल इंडिकेटर, वैसे ही इसमें आपको है ना बैटरी का इंडिकेटर देखने को मिलेगा। समथिंग न्यू है इसमें, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। ओके, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, आगे पीछे वॉशर, सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें मिलने। देन सेफ्टी सिस्टम है इसमें Lexus की, उसमें क्या क्या मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलेगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग आगे देखने को मिलेगा। ओके, देन फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ओके, रियर कोलिजन वार्निंग असिस्ट मिलेगा उसमें, वो ब्रेक भी दबाएगा। देन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो आपको मिलेगा, असिस्ट मिलेगा, लेन असिस्ट इसमें देखने को मिलने वाला है। तो सेफ्टी फीचर भी इसमें अमेजिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, ABS विद EBD, ये तो नॉर्मल है इनके लिए। देन ब्रेक असिस्ट है वो भी नॉर्मल है इसमें। देन विंडशील्ड वाइपर जैसी चीज़ें हैं, अगर वो फ्लूइड है वो भी इसमें इंफॉर्मेशन शो के, Lexus की वॉच, ओके, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके ड्राइविंग डायनामिक्स एंड गाड़ी चलाने के मामले में कैसी है। दोस्तों देखो,
जब मैं लेक्सस के अंदर बैठता हूँ ना, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं ड्यूरिंग सिटिंग टाइम बैठता हूँ कि ऐसा नहीं लगता कि मैं एक एसयूवी में बैठा हूँ, क्रॉस ओवर है। लेकिन जैसे ही बैठता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ बाबा कि विजिबिलिटी है, अमेजिंग है, थोड़ा ऊपर बैठा हूँ। ओके, ऐसा लगता है। स्टेयरिंग है दैट इज हीटेड एंड पावर वन। हीटेड की हुई आपको, मतलब बाहर के दुनिया में हीटेड लगता है, यूके में तो वो आपको हीटेड देखने को मिलेगा। और इतना ही जो मैंने अभी एडजस्ट किया है, दैट इज दैट इटसेल्फ इतना ही ऊपर तक ही आता है। तो यू हैव टू एडजस्ट द सीट्स आपको अगर पोजिशन कम्फर्टेबल करनी है। दूसरा, इसमें 54 किलोवाट की बैटरी आती है जो कि नियर अबाउट 300 की रेंज है, 315 की रेंज है, 200 BHP की पावर है एंड लगभग 300 NM का टॉर्क है जनरेट करके देने वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मालूम है, सिंक्रोनाइज मोटर आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। अब कैसे है ना कि ये पावर फिगर्स तो बात की हमने, देन अलग और एक कंसेप्ट क्या मालूम है इसमें ना, रोड साइन असिस्ट मिलता है जो कि लेट्स एग्जांपल इंपॉर्टेंट साइंस दिए गए, जैसे स्पीड लिमिट है तो इसमें वो अपना कैमरा डिटेक्ट करता है और इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा देता है कि आप पापा स्पीड लिमिट है गाड़ी का, तो आप गाड़ी स्पीड में चलाओ। तो एक बेहतरीन काम किया गया है लेक्सस की तरफ से। ये दोस्तों पर्सनली मैं तो इससे इम्प्रेस हूँ। और यू विल गेट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, नथिंग ऐसा है कि कुछ पीछे छूटा है। ORVM से दोस्तों वो एडजस्टेबल है। ओके, विद ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट के साथ है उसमें। जैसे आप इंडिकेटर देना चाहोगे राइट का तो वो ब्लिंक होता रहेगा, बिकॉज राइट में व्हीकल्स है, आप जा नहीं सकते, वो आपको असिस्ट करेगा। तो एक जबरदस्त काम है। इसमें तीन मोड्स मिलेंगे, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। देखो ये इलेक्ट्रिक है, इतना साइलेंट इसका केबिन है। इंसुलेट, हाई क्वालिटी इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें यूज किया है, मतलब सोच ही नहीं सकते इतना ये साइलेंट बनाया गया है। और बात की जाए इसके सस्पेंशन सेटअप की, वो भी बढ़िया है। मतलब ऐसा लगता है कि सॉफ्ट है लेकिन नहीं है दोस्तों, कुछ आपको गड्ढे विड्ढे कुछ अंदर फील नहीं होते, कुछ भी फील नहीं होती, इतनी जबरदस्त सस्पेंशन सेटअप किया गया है। अर्गोनॉमिकली सारे आपको बटन्स मिलते हैं तो आप आसानी से पहुंच भी सकते हो एंड वंस यू यूज्ड इट आप काम भी कर सकते हो। दूसरा, ये बहुत लोग बोलते हैं कि रिमोट है, टच पैड है, वो यूज टू होने में टाइम लगता है। यस, इट्स मेरे को 3-4 दिन लगा यूज टू होने में, बट वंस यू यूज इट आपको यूज करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, मेरे से लिख के लीजिए। दूसरा, आपको इसमें तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे, वो तो मालूम है। स्टेयरिंग आपका स्पोर्ट्स मोड में हाई हो जाता है, पावर आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है बिकॉज डिलीवरी ज्यादा मिलती है, ये याद रखिए, डिलीवरी पावर डिलीवरी है वो ज्यादा इसमें देखने को मिलने वाली है। तो जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, मतलब ऐसा फील होता है, फ्रैक्शन भी इसका कम गिरता है, ये देखो, और इतना अच्छे अच्छे दौड़ती है, ये देखो दोस्तों, वाव, मतलब इतना जबरदस्त ये पावर डिलीवरी है ना ये गाड़ी की। आप बहुत लोग बोलते हैं इसका लीनियर है, नहीं मैं लीनियर नहीं मानता क्योंकि मैं पीछे तो चला जा रहा हूँ दोस्तों। ओके, पीछे चला जा रहा हूँ तो ये जबरदस्त काम है। देन अगर आपका ध्यान नहीं है और तो इसे इंडिकेशन वार्निंग साइन आपके इसमें आ जाता है कि ब्रेक दबा भाई, आगे तो ठुकने वाला है। तो ब्रेक असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग, तीनों ऑप्शन इसमें देखने को मिलने वाला है। तो तीनों क्यों, क्योंकि वो सेंस करता है कि आप ब्रेक पेडल दबा रहे हो या नहीं दबा रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट ये थोड़ा ब्रेक लगाएगा, और नहीं दबा रहे तो पूरा ब्रेक दबा देगा। तो कोलिजन वार्निंग, ब्रेक दबाने से आगे का कोलिजन है, फ्रंट रियर दोनों कोलिजन प्रिवेंट होता है रिवर्स लेते वक्त भी। इधर सीट्स दोस्तों प्रोवाइड किए गए हैं, 8-way एडजस्टेबल सीट्स है विथ लंबा सपोर्ट, वो भी एडजस्टेबल आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो सीट्स के मामले कोई कमी नहीं है। बाकी बात करेंगे ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग भी इसका जबरदस्त है। ओके, परफॉर्मेंस क्यों जबरदस्त है, बिकॉज 7.5 सेकेंड में आप इसे 0 to 100 कर सकते हैं। एंड डिस्क ब्रेक आगे पीछे प्रोवाइड किए, ब्रेक असिस्ट है, ABS विथ EBD सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ब्रेकिंग भी दोस्तों नेक्स्ट लेवल की इसमें प्रोवाइड की गई है, उसमें कोई भी सेकेंड दो राय नहीं। लेक्सस की जो ये जो डिज़ाइन है पर्टिकुलर ना, कट्स एंड क्रीजेस अमेजिंग लगते हैं मुझे, और ऐसा गोली जैसी गाड़ी जाती है मालूम है दोस्तों। और जब आप कॉकपिट में बैठते हो, एरोप्लेन में बैठते हो, ऐसा लगता है ना बूम, वैसा यहाँ आपको लेक्सस में फील होता है, मुझे तो बहुत फील हो रहा है। ओके, ऑटोमेटिक AC। इसका जो बेनिफिट क्या है ना, हेडलाइट्स है इसके, जो लेवलिंग फंक्शन है दोस्तों दैट इज ऑटोमेटिक ओनली। ओके, ऑटोमेटिकली लेवल हो जाते हैं, तो इतना ये भारी हेडलाइट लेवल फंक्शन इसमें देखने को मिलने वाला है। बाकी ट्रैफिक चालू हो गया है और शायद मैं ऑफिस लेट पहुंचूंगा, तो देखते हैं कब तक ऑफिस पहुंचने वाले हैं।
ओवरऑल बात की जाए, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। एक ही कंसर्न है, 54 किलोवाट की बैटरी आ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब इंडिया में लॉन्च होगी तो ये नियर अबाउट 80 किलोवाट, 75-80 किलोवाट आ जाएगी। 400-500 का तो मिनिमम रेंज होना चाहिए। जो रेंज फियर है वो तो हमारे दिल में रहता है कि बाबा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेंगे, तो दैट इज़ द मेन कंसर्न दोस्तों। बाकी ओवरऑल जिसको प्राइस की बात की जाए तो जब इंडिया में लॉन्च होगी तो मेरे हिसाब से लगता है कि 80-90 लाख के ऑन रोड प्राइस के तहत ये गाड़ी आ सकती है, क्योंकि तब तब इतने फीचर्स आएंगे। अभी 2 साल पहले बात किया तो 60 लाख तक आ जाते थे, अभी लेकिन 90 लाख के हिसाब से आ जाएगा। और पावर रेंज भी आपको जो रेंज है दोस्तों वो भी लगभग 400-500-600 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ये कॉम्पीट करेगी दोस्तों, अभी मेनली इलेक्ट्रिकल बात करेंगे तो बी आई डी ऑटो 3, देन किया की EV6, देन आयोनिक 5, इन जैसी गाड़ियों से स्ट्रेट अवे कॉम्पिटिटर भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप मोटा मोटा पकड़ लो उनको। बाकी इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, अर्गोनॉमिकली विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। मिरर्स यार मतलब वो ऑटो फोल्डेबल मिरर्स है, रिवर्स लेते हो तो भी ये मिरर्स ऑटोमेटिकली उसका एंगल एडजस्ट कर लेते हैं। HUD डिस्प्ले मिलता है तो वो एक कन्वीनियंट है, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये टच पैड है ना, वो फिर भी आपको एडेप्टिव इसमें, हाँ, रडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल इसमें मिल जाता है। जैसे आगे की गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है ना उस स्पीड से आपकी भी गाड़ी जा सकती है। तो सेफ्टी के फीचर्स, देन लग्जरी फीचर्स, देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फीचर्स, ड्राइविंग डायनामिक्स, हैंडलिंग जबरदस्त। तो कॉर्नरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई स्पीड चलाने में 100 की स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टीयरिंग इतना लाइट है, तो सब कुछ बढ़िया है। बाकी टायर सेक्शंस अच्छे खासे चौड़े हैं, 18 इंचेस के मिल जाते हैं, तो वो भी कोई कंसर्न नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये गाड़ी है विद लग्जरीज। थोड़ा इंटीरियर जो डिज़ाइन है थोड़ा आपको ओल्ड स्कूल लग सकता है, इंटीरियर का डिज़ाइन, लेकिन एज सच कोई इसमें कमी नहीं आने वाली दोस्तों। तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो था लेक्सस UX 300E के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड ऑफिस टाइम जाते ही वक्त ही मुझे बनाना पड़ता है, दैट इज़ द ओनली कंसर्न विथ मी, बट दैट इज़ वॉट इट इज़ दोस्तों, करना ही पड़ता है, स्ट्रगल तो है। अगर आपका प्यार रहेगा तो आगे जाके फुल टाइम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।